उत्तराखंड के नैनीताल में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक छाया हुआ है। आलम यह है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आसपास आवारा कुत्ते कई लोगों और अधिवक्ताओं को काट चुके हैं, जिसको लेकर कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए लोगों द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली गई है, जिसके बाद अधिवक्ताओं की ओर से आग्रह किए जाने के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नैनीताल नगरपालिका के ईओ को कोर्ट में तलब करते हुए स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूर्व में दायर एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस में डालने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल स्थित बीडी पांडे जिला अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर तरुण कुमार टमटा ने लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि अस्पताल में रोजाना 5 से 6 केस डॉग बाइट के आ रहे हैं, जिसमें आवारा कुत्तों के काटने के मामले ज्यादा है। उन्होंने बताया कि शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या चिंता का विषय है। करीब 4 से 5 केस पर डे के हिसाब से आते हैं, जिसमें पेट भी हैं और वाइल्ड स्ट्रीट डॉग भी हैं। और क्या कहते हैं, अगर आप महीने का देखें तो महीने में हमारे करीब 148 के आसपास हम लोगों के यहाँ रिपोर्टिंग है डॉग बाइट की। रेवीज हैं हमारे पास काफ़ी हैं, इसमें करीब मोर देन 700 हमारे पास वाइल्ड्स हैं हमारे, तो इसकी कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन तो यही है, अगर किसी को डॉग ने काटा है तो हम जो उसको जो घाव है उसको धो लें, साफ पानी में धोएं और उसको बंद करके ना रखें, कवर करके ना रखें, और जितनी जल्दी हो हॉस्पिटल में आए और एक टिटनेस का टीका और प्रिकॉशन के तौर पे जो भी हमारा इसका कोर्स होता है एंटी रेबीज का, वो करा लें। हर केस में जो है वो एंटी रेबीज लगाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर स्ट्रीट डॉग है जिसको हम वॉच नहीं कर सकते, उस केस में हम प्रेफर करते हैं कि एंटी रेबीज के वैक्सीन लगाए जाएँ। अगर हमारा पेट डॉग है तो पेट डॉग में ये जरूरी नहीं कि हर केस में हमको रेबीज के इंजेक्शन की जरूरत होती है। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।